Hi everyone, welcome to J Chemistry. So it's Sunday today and it's time for doubt video. सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं हम लोगों के. जब मैंने स्टार्ट किया था ये सोचा था कि डाउट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी संडे को, तो मुझे लगा था 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे जो मैं इजिली सोल्व कर दूंगी. बट अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कि 40-50 क्वेश्चन होते हैं मेरे पास 6 दिन के, मतलब पूरे वीक अगर हम कंसिडर करें तो 40-50 क्वेश्चन होते हैं. अब मुझे ये समझ आता है कौन से क्वेश्चन मुझे चूज करने हैं, कौन से मतलब मैं नेक्स्ट वीक के लिए बचा के रखूं. बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वाली वीडियो में मैं 10 to 12 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाली हूँ. ठीक है, वो जो क्वेश्चन है जैसे मैं लास्ट टाइम क्या करती थी, क्वेश्चन को मतलब बाद में यहाँ पे एडिट करके लगा देते हैं, आपको दिखता था स्क्रीन पे. अब क्या करना है, वो क्वेश्चन का जो लिंक है वो पीडीएफ जो है इन क्वेश्चन की आपको सीरियल जैसे मैं कराऊंगी जिस भी सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ. अब देखते हैं क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है हमारे पास ये हमें दिया हुआ है सबस्ट्रेट और यहाँ पे डाला हुआ है H2SO4. ठीक है, मतलब एसिड यहाँ पे ऐड करी हुई. तो ये किस तरह की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट. अब इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो ये है कि हमें जो नाइट्रोजन है इसके पास एक OH लगा हुआ है और एक है ये लोन पेयर्स. ठीक है, अब क्योंकि डबल बोन है तो यहाँ पर सिस और ट्रांस जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पे मतलब मैटर कर जाती है इस रिएक्शन में. स्पेसिफिकली क्या होता है मैं आपको मैकेनिज्म तो भी कराऊंगी, बट आपको ध्यान ये रखना है कि चलो पहले मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं. अब होगा ये कि जो ये लोन पेयर्स हैं, जो ये वाली नाइट्रोजन ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये ऑक्सीजन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो अगर हम बात करें डोनेशन की तो जो sp3 होता है वो बेटर अच्छे से मतलब डोनेट कर पाता है अपने इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू sp2, इसलिए ये अपने डोनेट करेगा यहाँ पर. और हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर ये एच आएगा इधर आ गया पॉजिटिव. ठीक है, अब ये वॉटर बन गया है तो वॉटर मॉलिक्यूल इजीली यहां से निकल जाएगा. और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है मैं इसी में कर देती हूँ. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइन लग जाएगा इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है इस रिएक्शन बैकमैन रीअरेंजमेंट का जो मैकेनिज्म का नेक्स्ट स्टेप है उसमें होता है या तो आप इसको बोन को इस तरह से ब्रेक करो यहाँ पे आए नेगेटिव और यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना ले. या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, इसको यहाँ से ब्रेक करो तभी यहाँ पे आए नेगेटिव और यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव. ठीक है, अब ये कौन से वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा या आप कैसे देखोगे. देखो दो चीजें हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट में. अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन की हुई है जैसे इसमें मेंशन है ऑलरेडी हमारे पास इस तरह से है, आपको इस तरह से शो किया हुआ है बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये रिंग लगाई हुई है. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रायोरिटी देना स्टार्ट करूं, मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम हमेशा एटम को देते हैं, लोन पेयर की प्रायोरिटी एटम से कम होती है. तो यहाँ पे तो इस तरह से हो गया, यहाँ पे जो ये वाली कार्बन है ये क्या है, ये मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको मिलेगी सेकेंड. तो ये क्या है ट्रांस. ये ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, जो ये एल्कीन है जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है ट्रांस है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर रखी होती है तो जो भी इसके ट्रांस वाला बॉन्ड होता है वो ब्रेक करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा या फिर माइग्रेट करेगा. मैं आपको ब्रेक करके इससे बता रहा हूं ताकि आपको इजी रहे समझना कि इस तरह से हुआ कैसे है. बट एक्चुअल में क्या होता है माइग्रेशन होती है, एक ही साइमल्टेनियसली होता है. ये वाला बॉन्ड इस तरह से माइग्रेट करता हुआ दिखाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दोनों बॉन्ड बना लेंगे. अगर यहाँ पे इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है तो आप क्या करते हो, अगर सपोज इस तरह से लिखा हुआ है इनके आप OH इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखाई होगी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो आप क्या करोगे, तो फिर जो एप्टीट्यूड जैसे आपने देखा ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है अब उसको फॉलो करोगे, मतलब सबसे पहले एच देन पीएच देन आर, और आर में क्या सबसे पहले टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी और फिर उसके बाद लास्ट में मिथाइल. ठीक है, अगर ट्रांसफर्शन किया हुआ तो डायरेक्टली ट्रांस के जो ट्रांस वाला जो बॉन्ड है उसको माइग्रेट करवाओगे, अगर नहीं तो हम फॉलो करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसमें सबसे पहले एच करता है देन पीएच देन आर. आर मतलब एल्काइल ग्रुप, उनमें ये वाला ऑर्डर. अब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये भी एल्काइल मतलब ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो यहाँ पे एच और पीएच तो बात ही नहीं है, बात किसकी है आर की. जो ये वाली कार्बन है ये किस तरह की, एक ही कार्बन से अटैच है तो ये क्या है यहाँ पर एक ही कार्बन से अटैच, तो प्राइमरी कार्बन. ये वाली दो से अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये वाली क्या है तीसरी अटैच है तो ये टर्शियरी कार्बन है. अगर यहाँ पे हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं भी कर रखी होती तो भी हम इसी वाले बॉन्ड को माइग्रेट करवाते, तो अब क्या बनेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में. देखो ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर नेगेटिव, इधर आया है पॉजिटिव, तो ये वाले आपस में क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, 7 मेंबर रिंग हो जाएंगे हमारे पास ये इस तरह से.
ये हमारा बन गया, मतलब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आया इस वाले कार्बन पे क्या देगा पॉजिटिव, ये आ गया। अब फर्स्ट टाइम में जो वॉटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था वो क्या कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ से अटैक करेगा। अटैक के बाद क्या बनेगा, इधर आ जाएगा हमारे पास OH, ठीक है, क्योंकि OH2 बनेगा, फिर प्लस आएगा, H+ निकल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट टाइम में क्या होना होता है, यहाँ पे गया नेगेटिव चार्ज और आया पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन अपने लोन पर डोनेट करेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ, इधर नेगेटिव आया है तो ये यहाँ पे देखे जाएगा, इधर आ जाएगा NH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये हमारा बन गया है ये, तो ये हमारा होगा फाइनल अमाइड बन जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है फाइनल प्रोडक्ट। तो आप जो क्वेश्चन देखोगे उसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको करना था बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि हम माइग्रेट किसको करवाते हैं, अगर स्टीरियो मेंशन है तो ट्रांस वाले को करवाएंगे, नहीं है तो अपना नॉर्मल फॉलो करेंगे अपना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, इफ 10^-4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रिएक्टेंट आर क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर देन फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया है BARC 2019 ऑनलाइन एग्जाम में, इसमें दिया हुआ है कि 10^-4 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं एनर्जी बैरियर को। मैं इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूं, बट जो मुझे लगता है जो अप्रोच है मेरी सोल्व करने की वो ये है कि जो अरेनियस इक्वेशन होती है उसमें होता है K = A e^(-A/RT), ठीक है। यहाँ पर ये A क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल कोलिजन्स, और ये क्या है इफेक्टिव कोलिजन्स, ये होता है मतलब इफेक्टिव कोलिजन। अगर हम बात करें कोलिजन के टर्म्स में तो ये क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन, और ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। मतलब अगर मैं K/A लिख दू तो इक्वल हो जाएगा e^(-A/RT) के, और ये क्या है इफेक्टिव कोलिजन, ये है टोटल कोलिजन, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। मतलब जो हमारी ये वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 10^-4 मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें इफेक्टिव कोलिजन हुआ होगा, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम इक्वेट कर दें e^(-A/RT), हम इक्वेट कर दें 10^-4 से। अब क्या कर सकते हैं, दोनों साइड LN लगा देते हैं या तो, या फिर हम क्या करेंगे इसको इस E को यहां पर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -EA/RT, हमें निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी है, तो यहां से E जैसे यहां पर जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा LN और ये 10^-4, इसको ऐसे ही रखते हैं, E तो हमें निकालना ही है। आर के वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर कैल्विन पर मोल, और टेम्परेचर जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर ये कैलकुलेट कर सकते हैं 298 केल्विन, इक्वल हो जाएगा -4 को हम आगे ले आते हैं -4 ln 10, और ln 10 की वैल्यू क्या होती है 2.303। अब जैसे आप इसको सोल्व कर लोगे यहां से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारी ईए की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 22814 आएगा यहां पर, उसको तो मैं चेंज कर दू हो जाएगा 22.8 kJ/mol, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है पर कैल्विन से कैल्विन कैंसिल हो गया है और हमारा प्रोडक्ट हमारा आंसर आ गया है ये। मुझे इसके ऑप्शंस तो याद नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछे गए थे, बट हो सकता है ये वाला ऑप्शन उसमें अवेलेबल हो। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई और डेटा गिवन नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स हमें बताए हैं, तो ये एक मैटर हो सकता है इसको सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वॉज 2 × 2.66 × 10^-3 एट T = 120। जब टेम्परेचर 120 केल्विन है तो रेट कॉन्स्टेंट इतना है, और रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो जाती है 2.2 × 10^-1 एट Temperature = 360 केल्विन। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेट कॉन्स्टेंट एट 240 केल्विन। मतलब इस वाले टेम्परेचर पे रेट कॉन्स्टेंट की इतनी वैल्यू है, इस टेम्परेचर पे इतनी है, हमें निकालना है कि 240 केल्विन पे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है K2/K1 = ∆φ
डेल्टा टी डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा अगर इस इक्वेशन में हम ड्राइव करें टेम्परेचर कोफिशियंट, यहाँ पर ये टेम्परेचर कोफिशियंट है, तो अब क्या करोगे इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। एक और बात ध्यान देंगे, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज मतलब टी टू माइनस टी वन, और ये हमेशा डेल्टा टी क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा टी आपको पॉजिटिव रखना है, हम करेंगे टी टू माइनस टी वन। अब टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा पॉजिटिव रहने के लिए, और ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे टी टू है ना, यहाँ पे क्या है के टू, मतलब जो भी टेम्परेचर आप टी टू की वैल्यू लोगे के टू की वैल्यू आपको ऊपर रखनी है। ठीक है, वैल्यूज पुट करती हूँ मैं पहले, तो ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है 360 केल्विन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5, इसकी पावर 360 माइनस 120 डिवाइड बाय 10 ये हो जाएगी। और यहाँ से K2 की वैल्यू क्या है 2.2 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2.66 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे तो यहाँ से 5 की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2019 ये आ जाएगी आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है इस टेम्परेचर पे वैल्यू कितनी होगी रेट कांस्टेंट की, तो हम फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, के टू बाई के वन इज इक्वल टू 5 और ऊपर क्या है डेल्टा टी बाय 10। अब आप क्या करोगे, एक तो टेम्परेचर हमें ये लेना ही है जो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे टी वन ले लेंगे, और टी टू वैल्यू क्या लेंगे इससे ज्यादा वाली वैल्यू, ज्यादा कौन सी है 360 वाली, तो हम टी टू टेम्परेचर ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू हमारे पास है 1.2019 और डेल्टा टी में क्या लेंगे टी टू ले लेंगे इसको ज्यादा वाली वैल्यू को 360 को, और माइनस कर देंगे अपना 240 डिवाइड बाय कर देंगे 10, और यहाँ पे 360 में वैल्यू कितनी है 2.2 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 1 और K1 हमें निकालना है, तो यहाँ से जब आप K1 सोल्व कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.42 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे यूनिट है इसकी वही वाली यूनिट यहाँ पर आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा, जिसने मुझे ये क्वेश्चन सेंड किया था उसके अकॉर्डिंग आंसर है 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, जो कि मुझे गलत लग रहा है, मैं शोर हूँ इस क्वेश्चन के लिए, प्रीवियस ईयर में भी आया है ये क्वेश्चन, आप एक बार दोबारा से चेक कर लेना जहां से आपने आंसर मतलब दिया है मुझे लिख के, एक बार वापस उसको क्रॉस चेक करना, आंसर यही होना चाहिए, फॉर्मूला यही लगेगा, हो सकता है मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आप एक बार फिर से करके देख लेना, बट आंसर शुड बी जो भी आया था 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी है, जब मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे, बट फिर भी इस पे डाउट्स आए हैं तो मैं वापस से बताती हूँ। यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, यहाँ पे ये दो एच है और यहाँ पर है COOH। ठीक है, हमें बताना ये है कि ये दोनों एच जो है ये आपस में इनका रिलेशन बताना है, एनेंशियोटोपिक है, डायस्टीरियोटोपिक, होमोटोपिक, किस तरह के प्रोटोन्स ये दोनों हैं। तो इसके लिए क्या था, मैंने आपको करवाया था कि एक, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है स्टीरियो केमिस्ट्री वाली तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, इस वाले एच को हटा के मैंने बोला था आपको कि इसको मैं रिप्लेस करके डी ली दूंगी एक बार, तो और नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगी इस वाले एच को रिप्लेस करूंगी डी से। अब मैंने बोला था कि दोनों को हम रिप्लेस करेंगे और जब देखेंगे तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या है मिरर इमेजेस, और वो भी कैसी नॉन सुपर इम्पोजिबल, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो एच के ऊपर मतलब डी के ऊपर आएगा एच, अगर ये ऐसे कैसे यहाँ पर जाए तो डी के ऊपर एच आएगा, मतलब ये क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो जो कि क्या होता है इनैंशियोमर्स। एक ये मैटर होता है इसको सोल्व करने का, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम इसको अगर ऐसे करने की जगह हम वो वाला लगाए बाइसेक, जिसमें आपको बताया था जो मैं उससे बताती थी सिमेट्री एलिमेंट से, मैंने बताया था आपको कि सी टू या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अगर आप यहाँ से पास करोगे, आप सोच रहे हो सी टू लगाने की, मैंने तो है जितना भी बड़ा ग्रुप होता है उसको मैं स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्फीयर मानते हैं, अगर मैं इसको रोटेट कर दू किसी भी साइड से रोटेट करूं तो क्या होगा, जो ये बैक साइड वाले होते हैं वो फ्रंट में आ जाते हैं, तो क्या होगा रोटेट करने से ये बैक साइड वाले फ्रंट में आ जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे सी टू तो है नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लगा दू प्लेन ऑफ सिमेट्री, पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या करेंगे रिफ्लेक्ट, और जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं इनैंशियोटोपिक प्रोटॉन्स या इनैंशियोटोपिक ग्रुप। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो सिमेट्री मेथड से भी, और वैसे भी देख सकते हो ऐसे करके रिप्लेस करके, या फिर डायरेक्टली ऐसे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से
ये दोनों आपस में क्या है, इनेंस्टियोटोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक ये आईआर का क्वेश्चन था, इसमें आपको ऑर्डर लगाना है। कंप्लीट क्वेश्चन आप देखना पीडीएफ एक डाउनलोड करके, मैं उसमें सीक्वेंस वाइज जैसे भी करवा रही हूँ ऐसे ही लगाऊंगी। इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आईआर फ्रीक्वेंसीज। मैंने जब आपको आईआर पढ़ाया था एकदम अच्छे से डिटेल में, वहां पर आपको ट्रिक भी बताई थी देखने के लिए। इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एबीसी। अब देखो हमें देखना है कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन की लोन पेयर्स, यहाँ से डोनेट होंगे कितने 100%, यहाँ से भी आएंगे कितने 100%। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर्स यहाँ पर भी जाएंगे 50% और यहाँ जाएंगे 50%। अगर आपको ये परसेंट निकालना नहीं आ रहा है तो मैंने आईआर में अच्छे से डिटेल में ये वाली ट्रिक बताई है, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास इधर कोई डिलोकलाइजेशन के लिए है नहीं, तो इसके 100% यहीं पर जाएंगे। अब इस वाले ग्रुप के आ सकते हैं यहाँ पर 100%। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 50% आ रहे हैं इस ऑक्सीजन के जाएंगे डिलोकलाइजेशन में, तो क्योंकि अगर 50% ही जाएंगे तो इतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है ए में और सी में। अगर आप देखो तो दोनों ही साइड से डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, दोनों ही ग्रुप्स में, मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल्स में दोनों साइड से डिलोकलाइजेशन हो सकती है। इस वाले केस में आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ऑक्सीजन तो दोनों में सेम है, बट यहाँ पर देखो इधर आया नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होने से क्या होगा, इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, मतलब ये इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा आफ्टर डिलोकलाइजेशन। ये अब बात ये है कि जो ये वाला प्रोटॉन, ये वाला कार्बोकैटायन है और ये वाला कार्बोकैटायन है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये किस तरह का कार्बोकैटायन है, इस कार्बन से कितने अटैच है, दो कार्बन, तो ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये क्या है, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच, तो यह प्राइमरी कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा फेवरेबल होगी इन कंपेरिजन टू दिस वन, और अगर ज्यादा फेवरेबल होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसके बाद सी, तो ये आपको हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है क्वेश्चन में। इस तरह से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिविटीज ऑफ वाटर एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Ab2 आर 7 and 21। देखो ये क्वेश्चन अभी आया है, शायद December 2018 में क्वेश्चन आया है, कनेक्ट ऐसा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ इसका। आप क्वेश्चन कहां से देखोगे, पीडीएफ से। अब देखो यहाँ पर हमें K की वैल्यू गिवन है, जो K की वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या करेंगे, जो सॉल्ट का सोल्यूशन है उसमें से वॉटर की जो वैल्यू है कंडक्टिविटी उसको माइनस कर देंगे, तो सोल्ट की हमें गिवन है वैल्यू 21 और वॉटर की हमें गिवन है 7, तो हमारे पास आ जाएगी 14 μSm। ठीक है, उसके बाद इसे जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं वो ये है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें निकालने क्या है सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन को, यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को सोल्यूबिलिटी मतलब एस से, तो ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और फिर वहां से एस की वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। अब जो अब देखो Ab2 में सोल्ट भी बने, तो इसको अगर मैं ब्रेक करके दिखाऊं आयंस में तो कैसे होगा, A2+ + 2D-। तो अगर मेरे को इसकी निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी तो वो क्या होगा, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे मोलर कंडक्टिविटी की, और साथ में 2 × मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये शायद इनफाइनाइट वैल्यू की बने हमें B-, ये हमें चाहिए, और ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देते हैं 12.72 + 2 × 7.64, दोनों की सेम यूनिट दी हुई है, तो आप उसको जैसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28 mSm² per mole, ये आपका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, के ओवर दिस, ये दोनों ही वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, के की वैल्यू गिवन है 14, बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो ये क्या है, मिली है और ये है माइक्रो, तो आप क्या करोगे, माइक्रो को हटाओ यहाँ से, कितना जाएगा 10⁻⁶ Sm/m,
और ऐसे ही हम क्या करेंगे 28 इंटू इस मिलीवॉट आएंगे 10^-3 लिखेंगे यहाँ पर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। जैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका साइमन से साइमन कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मीटर क्यूब, और ये पर मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल। तो आपका आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने से 5×10^-4, यही आपका आंसर। आप ऑप्शन देख लेना जो भी आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि है 3×3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है। OH और यहाँ पे भी लगाया हुआ है OH, और यहाँ पे डाला क्या हुआ है फर्स्ट स्टेप में हीटिंग है, फर्स्ट स्टेप में हीटिंग है और सेकंड स्टेप में एसिड ऐड किया हुआ है H2SO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप सारे ऑप्शन ध्यान से जरूर देखना पीडीएफ में। अब देखो इसको क्या करते हैं, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट 1, 2, 3 मतलब यहाँ पे क्या करनी है हमें 3×3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। वो कैसे होती है, 3×3 में बॉन्ड बनेगा और 1-1 का बॉन्ड ब्रेक करेगा और लास्ट में क्या होगा 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से हम करेंगे, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, 3×3 का बॉन्ड बन गया और 1-2 में आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर है OH और यहाँ पर भी है OH। अब आप क्या करते हो, इसमें देखो एसिड ऑलरेडी गिवन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका टोटोमेरिज्म करवाते हैं दोनों का ही, या फिर ज्यादा इजी रहेगा आप एक को ऐसे ही रहने दो और एक का करा दो ताकि रिएक्शन के लिए इजी रहे, ऐसे हो गया। या फिर अगर आप दोनों का भी करवाओगे तो जैसे ही एच प्लस ऐड करोगे वापस से टोटोमेरिज्म होगा, उसमें ऐसे ही बन जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इधर आएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव जैसे आया है यहां इसको ब्रेक करो और ये लोन पेयर्स नीचे यहां पर, तो क्या बन गया देखो, अब इसमें और इसमें क्या होगा बॉन्ड बन जाएगा। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें इस तरह का कंपाउंड गिवन है और यहां पर पूछेगा कि नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे या फिर नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं, तो मतलब कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। इससे पहले हम ये कर सकते हैं कि जो ऊपर जो ग्रुप्स दिए हुए दोनों, ये दोनों सेम है या डिफरेंट, इसको बनाने इसको देखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। सपोज मान लेते हैं क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमें बस ये देखना है कि दोनों सीएल सेम है या डिफरेंट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एच है इस साइड में और इसके साइड में क्या है CH3, मतलब ये दोनों सीएल क्या है डिफरेंट है, दोनों के अलग सिग्नल आएंगे। तो ऐसे ही सीएल को रिप्लेस करके CH2CH3 लगाया हुआ है, मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों क्या है डिफरेंट। तो एक सिग्नल इसका आया 1, 2 यहाँ पे CDEF, मतलब टोटल कितने आएंगे 4, 5, 6 सिग्नल आएंगे, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही था कि यहाँ पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है पेरिसाइक्लिक का, देखो इस तरह से गिवन है, यहां पर लगाया हुआ है CN और साथ में ऐड किया हुआ है ये, ऐसा ही क्वेश्चन है। आई गेस प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है, पता नहीं, बट इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर लिखा हुआ है हीटिंग, तो हीटिंग से पहले आप क्या करोगे, इसमें दो रिएक्शन होंगे, एक तो साइक्लिक एडिशन और एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक। तो यहां पर क्या होगा, ये रिंग ओपनिंग होगी यहां पर ऐसे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा डबल बोन, इधर भी डबल बोन, यहाँ पर क्या है CN। और फिर उसके बाद ये करना है, अब देखो ये तो रिएक्ट करने वाला है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है साइक्लिक एडिशन में क्या होता है,
जो डाइनोफाइल होता है वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये रिएक्शन किस तरह से होगी, ऐसे रिएक्शन करने के लिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं ताकि हमें इजी रहे प्रोडक्ट बनाना। तो अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 1, 2, 3, 4 ये डाइन है आपकी और ये डाइनोफाइल, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना देंगे। आप ऑप्शन से देखोगे एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास ये चारों 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, ठीक है, फिर आप इजीली कर सकते हो। और इसके लिए कोई पंगा भी नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब में ही सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 मेंबर रिंग है और जैसा भी आपको मेंशन किया हुआ है वैसा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा इसमें करके दिखा दूं करेंगे किस तरह से। क्वेश्चन आप देख लेना, जो रेट होता है वो गिवन है आपको x प्लस वाई टू माइनस एच प्लस, ठीक है। अब इसके लिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है log of k4 by k16, ये हमें निकालना है। अगर आपको डेरिवेशन आती है इसकी तो आप निकाल लोगे इतना सा इतना पोर्शन, इसको हम डिराइव किस तरह से करते हैं पहले वो देखो। यहाँ पे हुआ क्या होगा, ये वाले हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तीनों, यहां से क्या बनेगा हमारे पास एक इंटरमीडिएट एक्स वाई एच, इसको इस तरह से हम करते हैं जितने भी हमें गिवन होते हैं हम सबको एक साथ लिखते हैं और जो भी इनके चार्जेस है सबको एड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस वन प्लस माइनस टू प्लस वन, तो ये सब चार्ज हो गया और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब आप इसको लिखते किस तरह से हो, हम यहाँ पे लिखते हैं के बाई के नोट इज इक्वल टू, ये क्या है एक्टिविटी कोफिशियंट, किसका एक्स प्लस का इंटू एक्टिविटी कोफिशियंट लो बाई टू माइनस, ये डेरिवेशन आपके पास पूरी होती है पर मैं पूरा करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ इतनी ही नीड है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए और किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इतना ही बहुत ज्यादा होता है आपको, बस ये निकालना आना चाहिए। यहाँ पे कितना जगह जीरो हो जाएगा इसका चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड लोग लगा देंगे और जैसे ही आप लोग लगा के सोल्व करोगे इसको तो आपके पास इन सब पे लोग लग जाएगा। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो लोग ऑफ गामा प्लस माइनस होता है इसके इक्वल है माइनस ऑफ ए जेड प्लस जेड माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई, ये होता है हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस जब है जब हमारे पास जैसे सपोज एनएसीएल है कोई ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है जिसमें प्लस और माइनस दोनों अवेलेबल है, बट अगर कुछ ऐसा है जैसे अभी आयंस गिवन है उस वाले केस में हम क्या करेंगे जो भी ये वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब सपोज अगर हमारे पास प्लस है तो हम क्या करेंगे जेड प्लस का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जब आप लिख के सोल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू माइनस सिक्स ए रूट आई, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद इसको अगर हम लिखें लॉग के 16 की फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन है हमें तो वो हो जाएगा माइनस सिक्स ए रूट ऑफ 16, ठीक है। ऐसे ही लॉग ऑफ अगर हम के 4 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स ए लॉग ऑफ 4। अब हमें क्या चाहिए के 4 बाय के 16, अगर मैं डिवाइड इसको कर दूं इस मतलब इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, मुझे करना क्या है वन में सेकंड को माइनस करना है तो हमारे पास आएगा अगर मैं माइनस कर दूं लॉग ऑफ के 16 अपॉन के 4 इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए रूट 16 प्लस सिक्स ए रूट 4। अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर माइनस 12 ए, लेकिन ये क्या है लॉग के 16 बाय के 4 आएगा माइनस 12 ए के इक्वल, हमें निकालना क्या है के 4 बाय के 16। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन, इस तरह से इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 12 ए, तो ऐसे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये आपका आंसर आएगा 12 ए। आपको ध्यान नहीं रखना है क्वेश्चन में बी की टर्म्स में पूछा हुआ है तो हम इस ए की जगह पे बी दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके, थैंक यू।